नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम खास बातचीत। खास बातचीत में हम बातचीत करेंगे आज राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी साहब से। सीपी जोशी साहब से उन तमाम विषयों पर बातचीत होगी, राजनीतिक समसामयिक घटनाओं पर बातचीत होगी, कोरोना पर भी बातचीत होगी और ऐसी विषयों पर बातचीत होगी जिनकी जानकारी लेना आपको जरूरी है, जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर सीपी जोशी साहब को अपने आवाज से एवन टीवी के साथ जुड़ने पर बहुत बहुत बधाई और उनको अब शुभकामनाएं देता हूं कि वो अपने व्यस्तम समय में से समय निकालकर हमारे दर्शकों से रूबरू हो रहे हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम खास बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जोशी जी, सबसे पहले तो आपको आपका स्वागत, नमस्कार। नमस्कार जोशी जी, क्योंकि आज आपसे बातचीत शुरू करूँ सबसे पहले मैं उन महान विभूति को याद करना चाहता हूँ। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि है, उनको सादर नमन करता हूं और मैं एक सवाल भी आपसे संदर्भ में करना चाहता हूं कि देश में कैसा माहौल सा बन गया है। एक पार्टी के लोग, कुछ लोग लगातार पंडित जवाहरलाल नेहरू को आरोप लगाते रहते हैं, कहते हैं कि उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि उन्हें सारी समस्याओं की जड़ भी बताते हैं। आपको क्या लगता है नेहरू जी ने इस देश के लिए क्या कुछ किया, क्या कुछ योगदान उनका इस भारत देश के लिए रहा? देश के इतिहास में जाने की जरूरत है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब पहला चुनाव लड़ा था तो उनके सामने चुनाव लड़ने वाले भी एक संत थे। इस देश में आजादी के बाद में ये बराबर एक वैचारिक लड़ाई चल रही थी कि इस देश को हम किस तरह से नीति निर्धारित कर देश का निर्माण करना चाहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मन में एक कल्पना थी कि हम साइंटिफिक टेम्पर जो दुनिया में जो बदलाव हो रहा है उसका लाभ उठाकर देश के निर्माण करने का काम करें, इसलिए उन्होंने पंचवर्षीय योजना बनाई और जो आधारभूत ढांचा डेवलप करना चाहिए उसके लिए दुनिया में जो अलग अलग देशों में जिस तरह की बातें हो रही थी, जिस तरह के कार्यक्रम हो रहे थे उससे वो प्रभावित थे और उसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर उन्होंने इस देश के निर्माण करने का काम किया। आज जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव पड़ी है उसको डालने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। इस देश में किस तरह की दुनिया में विदेश नीति बनेगी, उस विदेश नीति में भारत की भूमिका क्या बनेगी उसकी कल्पना उन्होंने की। जितनी भी आज इंस्टीट्यूशंस हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी स्थापना कर इस देश में लोकतंत्र को मजबूत कर, वैचारिक आधार पर इस देश में लोकतंत्र को मजबूत कर, मतदान के आधार पर नीति परिवर्तन कर देश में चुनाव के माध्यम से सत्ता में आने की नींव डालने का काम उन्होंने किया। एक लिबरल डेमोक्रेट लीडर के रूप में उन्होंने वो सब काम किया जो एक देश के निर्माण करने का काम करने के लिए उनको ठीक लग रहा था और जो उस समय दुनिया की परिस्थितियां थी। अब उस वैचारिक लड़ाई में उस समय कुछ लोग थे जो मानते थे कि इस नीतियों के आधार पर देश का निर्माण देश के हित में नहीं है। कालांतर में वो वैचारिक धारा के लोग आज देश में सत्ता में है, इससे निश्चित तौर पर ये वैचारिक लड़ाई हमारे सामने आएगी और इसीलिए जो लोग आज सत्ता में है वो ये भूल जाते हैं कि 1947 का देश और पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल के समय तक देश की जो नीतियां और देश में जो उपलब्धियां है और आज दुनिया में जो मिक्स इकोनॉमी की बात की जा रही है, जो वैज्ञानिक टेम्परामेंट की बात की जा रही है, जिस वैज्ञानिक विभाग की उन्होंने कल्पना की, आज परमाणु बम, अटलांटिका, ये सब बातें हम जो सोचना चाहते हैं उसकी आधारभूत संरचना करने का काम देश में प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने किया, ये हमें मानना चाहिए। और अच्छा है आप उनके पुण्यतिथि के अवसर पर ही इन सब चीजों की चर्चा करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप एक सामयिक समय पर आपने इस बात को प्रश्न किया इसलिए मैं इसको कोई अन्यथा नहीं लेता। वैचारिक लड़ाई पर जब आज वैचारिक जिस तरह की स्थितियां बनी हुई है उसमें ठीक लगता है कि भाई ये जो लोग अपने वैचारिक आधार पर देश का निर्माण करने की कल्पना करना चाहते हैं वो उस व्यक्ति को निश्चित तौर पर एक अलग रूप में देखेंगे। जोशी जी, आप संवैधानिक पद पर है, दल बदल कानून के तहत स्पीकर ही निर्णायक होता है। पिछले दिनों कर्नाटक सहित कई प्रदेशों में दल बदल कानून को लेकर जिस तरह गलियारे निकाले गए, विधानसभा से इस्तीफे दिलवाकर सरकारें बनाई गई, आप उसे किस रूप में देखते हैं? क्या ये वाकई में दल बदल कानून को ठेंगा दिखाने जैसा नहीं है?
हमें इसी रूप में देखना चाहिए। हमने जिस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की कल्पना की, उसमें पार्टी, पार्टी के विचारधारा, पार्टी के प्रतिनिधि की, उनके प्रति कमिटमेंट, ये आवश्यक तत्व थे जिसके आधार पर लोकतंत्र मजबूत होता। लेकिन हमने खुद ने देखा कि धीरे धीरे लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण पार्टी छोड़ने लगे, आया राम गया राम की स्थितियां बनी। उसको एड्रेस करने के लिए एंटी डिफेक्शन बिल लाया गया। एंटी डिफेक्शन बिल में पहले 1/3 था, फिर 2/3 किया गया। 2/3 का फायदा जो बड़ी पार्टी उसको मिला, छोटी पार्टियों के कारण उसको मर्ज करने का फायदा उठाने लगे। अब जब देखा कि अब बड़ी पार्टी में हम 2/3 मेजोरिटी को, 2/3 एमएलए को अलग नहीं कर सकते हैं, तो एक नया रास्ता निकाला गया कि हम इतने लोगों को सीटों को हम रिजाइन करवा दें और हम उस बहुमत को प्रभावित करें। तो ये तो एक बड़ी चुनौती है। यदि हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मजबूत करना चाहते हैं, इस तरह के प्रयास पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को कमजोर करते हैं। ये चुनौती के रूप में हमें इस देश में लोगों को समझने की आवश्यकता। कोरोना के प्रकोप के चलते चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव बीच में ही स्थगित कर दिए, लेकिन महाराष्ट्र में जहां कोरोना का प्रकोप सबसे ज्यादा है, वहां विधान परिषद के चुनाव करा दिए गए, क्योंकि मुख्यमंत्री को 6 महीने में ही किसी सदन का सदस्य निर्वाचित होना जरूरी था। आपकी दृष्टि में ऐसा दोहरा व्यवहार क्या संवैधानिक है या उचित है? जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, चाहे वो CAG है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, चाहे वो जुडिशरी है, वो अपना निर्णय कॉन्स्टिट्यूशनल जिस जो आइडिया कंसीव किया उसके इतर करते हैं, तो वो लोकतंत्र को ठीक नहीं करता है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह के निर्णय हो रहे हैं, उस निर्णय से लोगों को ये लगता है कि ये जो इंस्टीट्यूशन जिसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस देश में लोकतंत्र मजबूत रहे, वो लोकतंत्र मजबूत रहने की जो अवधारणा है उसको कमजोर करता है। इस दृष्टि से मैं देखता हूँ। जोशी जी, कोरोना के दौरान जब विधान परिषद के चुनाव हो सकते हैं, तो लगता है आपको राज्यसभा के चुनाव भी हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? आपको 200 जो चुने हुए प्रतिनिधि राजस्थान में, उन्हीं को तो वोट डालना है जी। और आपको जो कोरोना में जो आपने गाइडेंस दी, उसमें क्या आप मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस रखिए, तो एक आपका जो टाइमिंग है उसमें एमएलए मास्क लगा कर आए, सोशल डिस्टेंस पर खड़ा रहकर अपना मतदान का उपयोग करे, तो मैंने क्यों नहीं चुनाव हो सकता? निश्चित तौर पर चुनाव हो सकते हैं। जोशी साहब से बातचीत कर रहे थे हम दल बदल कानून को लेकर। स्पीकर की अथॉरिटी न्यायालय के बीच टकराव होता रहता है। न्यायालय कई बार स्पीकर को निर्देशित करने की कोशिश करता है। जोशी साहब, आपको लगता है इस विवाद का कोई समाधान है कि बार बार न्यायपालिका विधायिका को जो है निर्देशित करे, खासतौर पे स्पीकर अथॉरिटी को? हर इंस्टीट्यूशंस के प्रतिनिधि को अपनी भूमिका का जिम्मेदारी से निर्वहन करना पड़ेगा। यदि डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन में ये एंटीसिपेट किया गया है कि हाउस चलेगा, हाउस नियम और कानून से चलेगा, और उसमें अधिकार स्पीकर के डिफाइन किए हुए हैं, और पक्ष और विपक्ष उस भूमिका का ठीक ढंग से निर्वहन करें, तो मैं नहीं समझता कि जुडिशरी उसमें इंटरवीन करने का उनको अवसर मिलेगा। लेकिन यदि उन भूमिकाओं का निर्वहन करते समय कुछ इरोजन होता है, कुछ उसमें इस तरह की स्थितियां बनती है जहां जुडिशरी को लगता है कि हमारा इंटरवेंशन करना आवश्यक है, इन्हीं परिस्थितियों में हमें इस तरह का लगता है कि कभी कभी जुडिशरी अपनी लिमिट से या लिमिट से अपना जुडिशियल एक्टिविज्म के कारण उन चीजों में इंटरवीन करती है। मैं समझता हूँ कि इस बारे में नए सिरे से चर्चा की जानी चाहिए कि जुडिशरी किन बिंदुओं पर असेंबली में जो निर्णय होते हैं उनको इंटरफेयर करे, और असेंबली के स्पीकर किस तरह से अपनी भूमिका का निर्वहन करे, जिससे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये जो इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे जुडिशरी हो, वो अपनी भूमिका संविधान के जो उनको एनविसेज की गई है उस भूमिका का ठीक ढंग से निर्वहन करे, तो मैं समझता हूँ कि ये परिस्थितियाँ देश में निर्माण नहीं होगी। पर आज निश्चित तौर पर इस सब संबंध में चर्चा करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, कई विषयों पर आपसे जानने की कोशिश की। अब बात करेंगे हम लॉकडाउन 4 को लेकर। लॉकडाउन 4 चल रहा है, लेकिन अब लोगों में एक संदेह है, आशंका है कि अब क्या होगा। आप राजस्थान विधानसभा के मुखिया है, वरिष्ठ नेता है, और सरकार को सजेशन देने की हालत में भी हैं। आपको लगता है अब क्या होना चाहिए, क्या कदम सरकार को उठाना चाहिए, किस तरह क्या लगता है, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार को लॉकडाउन 4 के बाद? जो वैज्ञानिक शोध और जिस तरह की इंफॉर्मेशन आज इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध है,
वो इस बात को इंडिकेट कर रही है कि जब तक वैक्सीन नहीं आएगा तब तक हमें इस कोरोना को साथ जीना पड़ेगा। इसलिए कोरोना को साथ जीना है तो फिर जो इसमें अपेक्षा की जाती है कि हम मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और हाथ को बार बार धोएं, जब तक इन सब चीजों का पालन कर हम अपना दिनचर्या का काम करना चाहते हैं, चाहे दुकानदार अपना काम करना चाहे, फैक्ट्री में काम करना हो, बालाद में काम करना चाहे, चाहे स्टूडेंट पढ़ने का काम करना चाहे, सभी व्यक्ति जो अलग अलग वाकुफ लैब में काम कर रहे हैं वो इन सब नियमों का पालन कर यदि अपनी दिनचर्या का आत्मसात करते हैं तो हमें निश्चित तौर पर लॉकडाउन के संबंध में एक नई अवधारणा के साथ अपनी दिनचर्या प्रारंभ करनी पड़ेगी। और सभी यदि इसका नियम का पालन करेंगे तो मैं नहीं समझता कि हम इसकी इसके साथ रहते हुए अपनी गतिविधियों को जारी नहीं रख सकें। इसलिए सबसे ये अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी भूमिका का निर्माण ठीक ढंग से करें और इसका डरने की जरूरत नहीं है। वैज्ञानिक इस बात को वैज्ञानिक बता रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है, इसके साथ रहकर हमें अपनी दिनचर्या को परिवर्तन करने की जरूरत है। डर की जो भूमिका बैठ गई है जिसके कारण बड़े लेवल पर माइग्रेशन हो रहा है, लोग अपने काम को छोड़कर अपने गांव में जा रहे हैं, आज इस भय का जो वातावरण बन गया है, इस भय के वातावरण को समाप्त कर हमें इस संक्रमण में जब तक वैक्सीन नहीं आए तब तक ये जो प्रिकॉशन है उनको लेकर हमें अपनी जीवन की दिनचर्या को बदलना पड़ेगा। ये मन में आ जाएगा तो मैं समझता हूँ कि फिर हम इस लॉकडाउन की 3 को कहें 4 को कहें 5 को कहें ये इररिलेवेंट हो जाएगा। हमें अपने जीवन को संयमित और नियमित कर इसके साथ जीने की जो परिकल्पना करनी पड़ेगी और इसमें पॉलिटिकल पार्टीज एनजीओ को बड़े लेवल पर आकर इस काम को करना चाहिए जिससे लोगों में जागरूकता आए और जागरूकता आने के बाद जो लोग माइग्रेट हो गए, जो अनसेफ हो गए, वो पुनः अपने इन सब चीजों के साथ पार्टिसिपेट कर देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का काम कर सके। ये डर जो बैठ गया है, आपने कहा डर बैठ गया लोगों में, इस डर को दूर करने के लिए क्या प्रयास होने चाहिए रुक साहब? मैंने कहा ना कि लेक ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं के अभाव, हमारा लॉकडाउन और सारा प्रयत्न इस तरह का है कि 130 करोड़ के देश में हम कैसे मिनिमाइज करें कैजुअलिटी को। हमें नहीं मालूम है कि आज ये संक्रमण जो बीमारी है उसका किस तरह से लोगों को इम्पैक्ट करेगी। वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि बूढ़े आदमियों को इम्पैक्ट करेगी, वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं कि छोटे बच्चों को इम्पैक्ट करेगी, वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं कि जो बीमार लोग हैं, जो डायबिटीज के लोग हैं, जो किडनी के पेशेंट हैं, इस तरह के पेशेंट्स पे इसका प्रभाव ज्यादा होता है। हमारे पास देश में कितनी जगह पर वेंटिलेटर उपलब्ध है, आज पूरे देश में हम उठा के देखें तो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है। ये सब चीजें हमें समझनी पड़ेगी और उसी आधार पर किसी चीज के किसी बीमारी को मुकाबला करने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ जोशी जी, अब तक जो राजस्थान सरकार ने जो कदम उठाए हैं कोरोना से लड़ाई के लिए और जिस तरह से जिस रफ्तार से उन्होंने कोशिश की है, पूरी सरकार ने, मुखिया ने और आप लोगों की जो सर्वदलीय बैठक हुई, वीसी के माध्यम से जुड़े, जिस तरह के कदम जो भी उठाए हैं, आपको लगता है उन कदमों से आप संतुष्ट हैं? आपको लगता है उसमें और कुछ सुधार होना चाहिए? नहीं, जो कदम उठाए वो तो आपने स्वयं ने सुना होगा, इररिस्पेक्टिव पार्टी लाइन जितने भी विधायक हैं उन्होंने सरकार के जो प्रयत्न उसकी प्रशंसा की है, जो सरकार अपने जो भूमिका है उसका निर्माण उन्होंने ठीक ढंग से किया है। अब आज जो बदलाव है उसको समझने की आवश्यकता है कि फेडरल स्ट्रक्चर में देयर आर लिमिटेशन, स्टेट गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू नहीं होगी, भारत सरकार उनको मदद नहीं देगी वित्तीय संसाधनों की, तो हम बहुत बड़ी अपेक्षा करें। हर पॉलिटिकल पार्टी है सरकार को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए उसके बारे में भी हमें चर्चा करनी पड़ेगी। तो आज पूरे देश में चाहे वो दिल्ली की सरकार हो चाहे प्रदेशों की सरकार हो, उन सबको मिलकर रिसोर्सेज का जुडिशियस उपयोग कर किस तरह से हम इस बीमारी का मुकाबला कर सकें और लोगों के जीवन में जो आर्थिक स्थितियां हैं उसको ठीक ढंग से चला सकें, इसमें बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि जितना प्रयास अभी सभी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर राजस्थान में किया है वो अभूतपूर्व है, प्रशंसनीय है, और सरकार ने जिस ढंग से इनिशिएटिव लेकर काम किया वो इस बात को बताता है कि राजस्थान में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, आज मोर्टिलिटी रेट कम है, हमने हमारा यह माइग्रेशन बड़े पैमाने पर हुआ है, ठीक ढंग से हमने चीजों को कंट्रोल किया है, पर अब आने वाले समय में हम कैसे किस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेंटेन करें जिससे स्टेट का रेवेन्यू बढ़े, जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़े और जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का काम है वो हम कर सकें, ये सब आगे आने वाली चुनौतियां हैं उसका मुकाबला करने के लिए भारत सरकार और प्रदेश की सरकार मिलकर काम करेगी तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर एक कठिन समय भी निकलेगा और पुनः हम राजस्थान को आगे बढ़ाने में सफल होंगे।
जोशी जी, केंद्र सरकार ने आर्थिक पैकेज दिया है, क्या आपको लगता है ना उस पैकेज से कुछ होने वाला, कहीं आर्थिक मंदी जो चल रही है उसमें सुधार हो पाएगा नहीं हो पाएगा? आज हम यहाँ बैठ कर चर्चा कर सकते हैं, पर हमें समझना पड़ेगा कि भारत सरकार के रिसोर्सेज की स्थितियां क्या है, स्टेट गवर्नमेंट की रिसोर्स की स्थितियां क्या है। हर स्टेट और भारत सरकार जो मिलकर अपने पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उसी उसी को तो वो डिवोल्व करने का काम करेगी। इसलिए आज हम यहाँ बैठ कर चर्चा करें तो सबको मालूम पड़ गया कि जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया गया, उस 20 लाख करोड़ के पैकेज में स्टेट के जो रिसोर्सेज हैं वो तो केवल 1% के करीब GDP के 1% ही है। तो अमाउंट बड़ा लगता है, पर ये अमाउंट बैंक की जो इंस्टीट्यूशन है, जो लोन का जो पैसा उपलब्ध किया जा रहा है उसको काउंट करके किया जा रहा है हमें। तो आज बड़े पैमाने पर हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम कैसे लोगों को सर्वाइव कर सकें। यदि एक साल तक रोजगार उपलब्ध नहीं है, लोग बड़े पैमाने पर माइग्रेंट करके चले गए हैं, उनकी इनकम उनके पास नहीं है, तो कैसे उनको हम सस्टेन कर सकें, पहले उनके लाइवलीहुड को मेंटेन कर सके। और लाइवलीहुड को मेंटेन करना है तो निश्चित तौर पर उनके हाथ में पैसा देना पड़ेगा, पैसा उनके पास हाथ में आएगा, क्रय शक्ति बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ेगी, एक साइकिल बना हुआ है। यदि उस आदमी के हाथ में पैसा ही उपलब्ध नहीं है तो डिमांड जनरेट नहीं होगी। आज हमने 20 लाख करोड़ का तो हमने पैकेज डिक्लेयर कर दिया, पर वो बहुत बड़ा अमाउंट है, वो लोन के रूप में मिलेगा। अब लोन यदि कोई इंडस्ट्रीज ले रहा है, उसका माल ही नहीं बिक रहा है, तो लोन लेकर वो क्या करेगा? तो एक ये जो पूरा साइकिल टूट गया है, उस साइकिल को वापस सस्टेन करने की आवश्यकता है। आपको लगता है मजदूरों, श्रमिकों, गरीबों की जेब में जब तक सीधा पैसा ट्रांसफर नहीं होगा, ये जो व्यवस्था है पटरी पर आने वाली नहीं है, तो सबसे पहले आवश्यकता है तमाम जो मध्यम वर्गीय निम्न वर्गीय लोग हैं उनके खातों में सीधा पैसा जाए ताकि ट्रांजेक्शन घूमे, जिसकी मांग भी कांग्रेस पार्टी भी कर रही है? कांग्रेस पार्टी नहीं, दुनिया के विशेषज्ञ जो इकोनॉमिस्ट है वो कह रहे हैं, आप लोगों के हाथ में पैसा दीजिए, वो पैसा वो खर्च करेंगे। डिमांड जनरेट तब होगी जब आदमी कोई चीज खरीदने के लिए पास उसके पास पैसा उपलब्ध होगा। करोड़ों लोगों ने माइग्रेट कर लिया और करोड़ों लोगों के पास इनकम ही नहीं है, जब इनकम ही नहीं है तो वो मार्केट का जनरेट करने के लिए किस चीज को पैसा खर्च करेंगे? तो सबसे बड़ी आवश्यकता है कि लोगों के हाथ में पैसा दें, और पैसा देंगे तो पैसा निश्चित तौर पर उनकी डिमांड होगी, और डिमांड होगी तो उसको मीट आउट करने के लिए चीजें मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा और आर्थिक गतियां होनी पड़ेगी, तो एक साइकिल है। इसे ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का सवाल नहीं है, दुनिया के बड़े बड़े विशेषज्ञ जो नोबेल लॉरेट हैं वो भी इस बात को कहते हैं कि सबसे पहले लोगों के हाथ में पैसा उपलब्ध किया जाना चाहिए। पैसा यदि उनके हाथ में आएगा वो खर्चा करेंगे, खर्चा करेंगे तो डिमांड जनरेट होगी, और डिमांड जनरेट होगी तो सब चीजें इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। आप उल्टा काम हम करना चाहें कि बैंक का पैसा है, आप बैंक से पैसा लीजिए और आप फैक्ट्री को चलाइए, पर बैंक का पैसा लेगा कौन? आज 6 महीने तक हमने उसकी EMI को ट्रांसफर कर दिया, पर 6 महीने बाद उसको चुकाना पड़ेगा। उसका माल है, उसका आदमी जो उसका काम करने वाला कारखाना का आदमी चला गया, तो माल प्रोड्यूस कौन करेगा? जो माल प्रोड्यूस करने वाला नहीं है, खरीदारी करने वाला नहीं है, लेने वाला नहीं है, तो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी बन नहीं सकती। तो ये जो नोबेल लॉरिएट जो है इकोनॉमिस्ट है, उनकी ये विचार है कि जब तक हम लोगों के हाथ में पैसा नहीं देंगे तब तक हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को बहुत बड़े पैमाने पर सस्टेन नहीं कर सकते। ये इस बात को हमें समझने की आवश्यकता। जोशी जी, मनरेगा कोरोना काल में सबसे बड़ी संबल बना है कमजोर गरीबों के लिए, आपको लगता है शहरों में भी जो गरीब वर्ग के तबका है वहां पर इस टाइप की कोई योजना होनी चाहिए जिससे कि लोगों को कुछ रोजगार मिल सके, क्योंकि मनरेगा इस समय बहुत बड़ा रोजगार में सहायक बना है? आपको एक बड़ी बात समझने की आवश्यकता है कि जो ये कोरोना का इम्पैक्ट शुरू हुआ उसका सही ढंग से देखिए, जो जितने भी मेट्रोज हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं, बॉम्बे है, दिल्ली है, पूना है, बेंगलोर है, इनकी इकोनॉमी को सस्टेन करने वाले लोग हैं, वो लोगों ने बड़े पैमाने पर माइग्रेशन किया है। उनके लिए अभी हमारे पास कोई स्कीम नहीं है। मनरेगा की योजना रूरल एम्प्लॉयमेंट है, उस आदमी को 100 दिन की जॉब की गारंटी देती है, पर ये जो अर्बन इलाके में डेली वेजर अर्न वेजर थे, जो इकोनॉमी को सस्टेन करने में मदद कर रहे थे, जो दूध लाने वाला दिल्ली में सप्लाई करने वाला था, जो सब्जी सप्लाई करने वाला था, जो घर पर काम करने वाला था, जो ड्राइवर था, ये जो आदमी है, इन्होंने जो माइग्रेट किया है, उनके लिए बड़े पैमाने पर मनरेगा की तरह अर्बन ये जो आदमी है उनके लिए भी हमें कोई योजना सोचनी पड़ेगी। ये दुर्भाग्य है कि हमने इसको एंटिसिपेट नहीं किया कि इस माइग्रेशन को एड्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे। अब भी अवसर है, मनरेगा के डेज बढ़ाने चाहिए, 100 डेज की जगह 200 डेज कर देने चाहिए, जिससे गांव के लोगों की क्रय शक्ति बढ़े। लेकिन जो अर्बन का जो माइग्रेशन हुआ है उनके संबंध में हमें बड़े पैमाने पर इस तरह की योजना करना चाहिए जिससे इनके हाथ में भी पैसा है।
और उस पैसे पे ये क्रय शक्ति बढ़ाने का काम कर सके। ये बहुत बड़ा वर्ग है, इस वर्ग के लिए निश्चित तौर पर कोई योजना आनी चाहिए जिससे इनके हाथ में पैसा आए। जोशी, आपने देखा जिस तरह माइग्रेट लेबर हुआ, जिस तरह लोग भागे, लोगों में डर सा बैठ गया है, और अभी ऐसा कोई काम नहीं हुआ, कोई विश्वास दिलाने वाला काम नहीं हुआ। अभी भी लोगों का प्लान जारी है, भले ही कोई सा भी स्टेट हो, तमाम तरह से जो प्रवासी मजदूर है अपने घरों पर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रयासों में कमी तो रही है कि सरकारों का जो काम था वो लेबर को विश्वास दिलाना चाहिए था, वो विश्वास दिलाने में कहीं ना कहीं जो है फेल रहे हैं, विफल रहे हैं, और अभी भी ऐसा कोई विश्वास नहीं है कि उन लेबर को वापस काम पे बुलाने के लिए कोई सरकार किस तरह का कोई घोषणा नहीं कर पा रही है, क्योंकि मशीनें अब फैक्ट्रियाँ चालू कर दिया आपने, लेकिन लेबर नहीं है तो चालू कैसे होगी, उत्पादन कैसे होगा बड़ा। मैं गवर्नेंस के साथ जो हमारा वे ऑफ लाइफ है, जी जी, जो हमारा सोच है, उसको भी समझने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, हिंदुस्तान का साधारण आदमी ये अपेक्षा करता है कि मेरे पास अपनी आय के बाद एक मकान होना चाहिए, इंडिपेंडेंट हाउस होना चाहिए। हिंदुस्तान का साधारण से साधारण आदमी ये अपेक्षा करता है कि मेरी मौत हो तो मेरे घर पे होनी चाहिए। ये जो मानसिकता हमारी है, उस मानसिकता को हमने गवर्नेंस का पार्ट नहीं बनाया, इसलिए आज ये हमें नजर आता है कि हम लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, हम सोशल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, हम मास्क लगाने की बात कर रहे हैं। वो लोगों के मन में ये है कि जब बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है, सारे लोग ये कह रहे हैं कि बीमारी इस तरह की है, शहर में पढ़े लिखे लोग में भाई बैठा हुआ है, कोई सोसाइटी में आदमी को दूध सप्लाई करने के अलाउ नहीं कर रहा है, सब्जी करने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है, तो वो 30-40 साल पहले जो आदमी गांव छोड़कर शहर में आया है, उसके मन में जो एक अविश्वास पैदा हो गया, उस अविश्वास को गवर्नेंस के साथ हमने इंटीग्रेट नहीं किया। ये फेल्योर हमें माननी पड़ेगी कि हमारा गवर्नेंस और हमारे देश के लोगों की जो मानसिकता है उसके बीच में एक बहुत बड़ी गैप। विधायक निधि अब केवल स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च होगी 2 साल के लिए, आपको लगता है जो विकास कार्य अन्य हैं वो रुकेंगे, प्रभावित होंगे, लोगों को रोजगार वगैरह मिलता वो भी नहीं मिल पाएगा इससे भी, इसको भी इस पर भी क्या भूमिका है? माननीय आप संवाददाता मुद्दे बताएं, 200 विधायक के 2 रुपए, 2 करोड़ के हिसाब से 400 करोड़ रुपए, जी इस प्रदेश का बजट कितना है? बजट ही पूरा आपके रेवेन्यू नहीं है, वही इफेक्ट हो गया, तो एमएलए फंड से क्या फर्क पड़ रहा है? बहुत बड़ी इश्यू नहीं है इसमें। ये तो ठीक है, सरकार ने फैसला किया उस एमएलए के पैसे का उपयोग मेडिकल हेल्थ की इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए काम करेगा, तो एक अच्छा कदम है, जिससे कम से कम उस पैसे का सदुपयोग गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर जो मेडिकल है उसको बनाने में काम आएगा। जोशी जी, मेरा एक सवाल है, आप विधायकों से क्या अपील करना चाहेंगे जिससे ज्यादा इस संक्रमण काल में लोगों की मदद हो सके, सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे? सबसे बड़ी अपील ये करना चाहता हूँ, एक जनप्रतिनिधि के रूप में इस देश में अलग अलग लोकतांत्रिक पार्टियां जितनी भी है, उनका पहला और प्रथम कर्तव्य है लोगों में डर खत्म करना, उनको विश्वास दिलाना कि हम कैसे इस बीमारी का मुकाबला करते हुए अपनी दिनचर्या को जारी रखें। डरने की जरूरत नहीं है, सतर्क रहने की जरूरत है, डरे नहीं, सतर्क नहीं रहें और दिनचर्या में परिवर्तन कर आने अपने जीवन का निर्माण करें और सर्व गतिविधियों को जारी रखें। मैं समझता हूँ कि एक विश्वास पैदा करने की जिम्मेदारी आज विधायकों की और पॉलिटिकल पार्टी। सरकार को कोई सुझाव देना चाहेंगे कि वो सरकार इस तरफ कदम उठाए ताकि और ज्यादा लोगों को राहत मिल सके? सरकार को भी ये समझना पड़ेगा कि आज जो इनसिक्योरिटी पैदा हो गई है और जो इनसिक्योरिटी के बाद जो उसका ऑफशूट में जिस तरह की परिस्थितियां बन गई है, कैसे विश्वास में लेकर हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट करें जिससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़े, एम्प्लॉयमेंट की संभावना भी बढ़े और नौजवान को लोगों को भरोसा रहे कि ये सरकार जो आर्थिक गतिविधियां ठीक ढंग से करेगी लोगों के सहयोग से, तो जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी और जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी तो प्रदेश के विकास में भी वो भागीदारी निभा सकेंगे। मैं समझता हूँ कि सरकार इस तरफ कदम बढ़ाए, आने वाले समय में और तेज गति से कदम बढ़ाकर लोगों के विश्वास को बनाए रखेगी। धन्यवाद जोशी जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने तमाम तरह के विषयों पर अपनी बातचीत रखी, विधायिका से लेकर आपने कोरोना को लेकर बातचीत रखी और आपने समय दिया, आपका एवन टीवी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो ये थे डॉक्टर सीपी जोशी साहब, जिन्होंने खास बातचीत में अपनी बात रखी, उन्होंने सरकार को भी सुझाव दिए, साथ में विधायकों से भी कहा कि वो तमाम बातें छोड़कर भूलकर इस कोरोना की लड़ाई में जनता को राहत देने का काम करें, सरकारें रोजगार देने का काम करें और सरकारें मनरेगा की तरह ही शहरी लोगों को, श्रमिकों को, मजदूरों को एक रोजगार के अवसर पैदा कराएं, आर्थिक पैकेज कोई ऐसा मिले जिसे सरकार पटरी पर वापस तोड़ सके। खास बातचीत में आज के लिए इतना ही, ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे A1 TV।